क्वेश्चन नंबर थ्री, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 ओवर एक्स माइनस 3x होल पावर 6. हमने ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें x ना हो. इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि x उसमें ना हो. वैसे तो इसकी टोटल टर्म्स जो है वो 7 आएंगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो 6 है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो वी विल गेट 7 टर्म्स. उनमें से एक ऐसी टर्म होगी जो जिसमें x नहीं होगा, तो वो हमने एक्सपेंड नहीं करना. हमने एक स्पेसिफिक फार्मूला जो होता है वो यूज करेंगे टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. दिस इज द फार्मूला, a प्लस बी पावर n हो तो इसकी स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने का फार्मूला एन सी आर, ए पावर n माइनस r और b पावर r. यहां अपने क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट टर्म जो है इससे कंपेयर करें. फर्स्ट टर्म जो है 2 ओवर x है, दैट इज a, और माइनस 3x जो है दैट इज b, और n क्या है, n है 6. वी विल यूज दिस फार्मूला. सो 6cr, r हमने फाइंड करना है. 6cr 2 ओवर x पावर 6 माइनस r और माइनस 3x पावर r. नो वी विल यूज इंडिसेस रूल. इंडिसेस रूल ये है कि ये 2 ओवर x है, इसके 2 के ऊपर भी पावर 6 माइनस r आएगी और x के ऊपर भी पावर 6 माइनस r आएगी. यहां पे इसी तरह माइनस 3 पे भी पावर r आएगी और x के ऊपर भी ये पावर r आएगी. ये दीज आर कॉल्ड इंडिसेस रूल्स. 6r 2 पावर 6 माइनस r ओवर x पावर r, x पावर 6 माइनस r माइनस 3 पावर r x पावर r. अब हम x की पावर्स को कलेक्ट कर लेंगे. ये देखें, ये न्यूमिरेटर में x की पावर r, ये डिनोमिनेटर में 6 माइनस r है. ये न्यूमिरेटर में जाएगी तो पावर के ये सम पावर का साइन चेंज हो जाएगा. तो वी गेट 6cr 2 पावर 6 माइनस r माइनस 3 पावर r. अब ये जो पावर 6 माइनस r है x के ऊपर, ये हम ऊपर ले जाएंगे, यहां पे x की पावर्स को कलेक्ट कर लेंगे. तो सो x पावर r माइनस 6 प्लस r. फर्दर 6cr 2 पावर 6 माइनस r माइनस 3 पावर r और x की पावर आ जाएगी 2r माइनस 6. अब हमें फाइंड करना है वो टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन कि x को हमने फिनिश करना है, x ना हो. x फिनिश कैसे हो सकता है, जब x की पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाएगा, तो x फिनिश हो जाएगा. तो सो हमने यहाँ पे 0 लेके आना है ताकि x की पावर 0 हो जाए, ताकि हम टर्म फाइंड कर लें इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो सो 2r माइनस 6 को हमें पुट करना पड़ेगा 0. फ्रॉम हेयर r इज इक्वल टू 3. अब हम यहां पे भी r आता है, वहां पे 3 पुट कर देंगे. तो सो 6c3 2 पावर 3 माइनस 3 पावर 3 x पावर 0, क्योंकि हमने 2r माइनस 6 को 0 पुट किया है. या वैसे r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहां 0 आ जाएगा. तो ये x 0 जो है, पावर x की पावर 0 जो 1 होता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो वी गेट 63 20 2 पावर 3 8 माइनस 3 पावर 3 माइनस 27 x पावर 0 1. तो फाइनली वी गेट माइनस 4 3
टू जीरो, दिस इज द टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. ये एक टर्म आई है जिसमें x हमें नहीं नजर आ रहा, तो सो दिस इज द टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, माइनस फोर थ्री टू जीरो. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. नो टर्म मीन वो टर्म जीरो होगी इंडिपेंडेंट ऑफ x. नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. अब ये जो फैक्टर है इसके ऊपर पावर नहीं है, इसने तो एक्सपेंड नहीं होना, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे दूसरे वाला फार्मूला यूज करके, एक्सपेंशन वाला. तो सो वन प्लस ए एक्स स्क्वायर रिमेन्स एज सच. अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे और इसकी थ्री फोर टर्म्स हम फाइंड करेंगे. पहले पहली टर्म आएगी इसमें सिक्स सी जीरो. अब इसमें ये फार्मूला यूज होगा ए प्लस बी, ये फार्मूला इसमें यूज होगा यहां पे इसको एक्सपेंड करने के लिए. ए प्लस बी पावर एन, फर्स्ट टर्म होती है एन सी जीरो, ए पावर एन बी जीरो. नेक्स्ट इज एन सी वन, ए पावर एन माइनस वन बी वन. नेक्स्ट टर्म एन सी टू, ए पावर एन माइनस टू बी पावर टू एंड सो ऑन. वी विल यूज दिस फार्मूला हेयर. ये आ जाएगा पहली टर्म एन सिक्स जीरो, टू ओवर एक्स पावर सिक्स. वन प्लस ए एक्स स्क्वायर यूजिंग फार्मूला सिक्स सी जीरो, टू ओवर एक्स पावर सिक्स माइनस थ्री एक्स पावर जीरो. सेकेंड टर्म सिक्स सी वन, सिक्स सी वन टू ओवर एक्स की पावर वन डिक्रीज हो जाएगी, माइनस थ्री एक्स की पावर वन इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट टर्म सिक्सटी टू, टू ओवर एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स पावर टू प्लस सिक्सटी थ्री, टू ओवर एक्स पावर थ्री माइनस थ्री एक्स पावर थ्री. अब हम इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर. We have used here this formula. Now simplifying it, 1 plus ax square remains as such. इसको simplify करेंगे तो ये first term को simplify करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 64 over x power 6. 2 पावर 6 जो है वो 64, 60, 1 माइनस 3 एक्स के ऊपर भी पावर 0, ये भी 1 आ जाएगा. तो सो अल्टीमेटली यहाँ हमारे पास आ जाएगा 64 ओवर एक्स पावर 6. नेक्स्ट सेकंड टर्म को हम कैलकुलेटर से सिंपलीफाई करेंगे तो ये 576 ओवर एक्स पावर 4. नेक्स्ट टर्म 2160 ओवर एक्स स्क्वायर. तो आखिरी टर्म जो है ये फोर्थ टर्म जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म जो है इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वी गेट माइनस 4320. ये ऊपर वाले पार्ट में हमने फाइंड किया है. अब हमने फाइंड करना है देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. इंडिपेंडेंट आपने इस फैक्टर को इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके तो फाइंड करना है टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स.
कि वो टर्म जिसमें x ना हो, तो हम ये देखें, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, तो हमें विदाउट x वो जो टर्म मिल जाएगी, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, ए एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2160 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर एक्स फिनिश हो जाए। सो वी गेट माइनस 4320। अब इस टर्म को ए एक्स स्क्वायर को 2160 ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर इंटू 2160 ओवर एक्स स्क्वायर, ये देखें एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4320 प्लस 2160 ए। ये हैं वो टर्म्स जिनमें विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो नो टर्म मीन के इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वैल्यू, यहां से नो टर्म मीन कि ये जीरो होगा। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, 2160 ए इज इक्वल टू 4320 एंड ए इज इक्वल टू 4320 ओवर 2160। तो फाइनली वी गेट ए इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर।